नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई कलर के 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अगर आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है तो सभी जोन का यहाँ कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयार प्रोवाइड किया है। और मैं बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो ये एग्जाम में आपको निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स अपने आप निकलेगा, मेंस में जॉब भी होगा। तो आप मेंस की तैयारी कीजिए और प्रीलिम्स तो ये सोच के चलिए कि प्रीलिम्स निकलने ही वाला है, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम निकल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उसके 5 दिन के अंदर या मुश्किल से मुश्किल 2 सप्ताह के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट निकलने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है करंट अफेयर को तैयार करने के लिए। कम से कम मेंस से 3 महीने पहले आपको एकदम सॉलिड तैयारी करना होगा, तभी जाके ये एग्जाम निकलेगा। प्रीलिम्स तो बहुत बच्चों का निकलता है, पर आपको सोचना है मेंस का एग्जाम कैसे निकलेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रीलिम्स के हम कट ऑफ को जान लेते हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ है कितना जा सकता है 2021 में, ठीक है। और लगभग इतना ही आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। जिस समय कट ऑफ आएगा उस समय आप इस वीडियो को मिला लीजिएगा कट ऑफ से, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही कट ऑफ है आपको हर एक स्टेट का देखने को मिलने वाला है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात का कट ऑफ कितना जा सकता है, 65 से लेकर 67 के बीच में गुजरात का कट ऑफ। उसके बाद है कर्नाटका, कर्नाटका का कट ऑफ 55 जा सकता है। एमपी का कट ऑफ जा सकता है 62 के आसपास है। और छत्तीसगढ़ का कट ऑफ रह सकता है 68 के आसपास। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ रह सकता है 75 के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडमान का कट ऑफ रह सकता है 55 के आसपास है। आगे अगर हम बात करें अंडमान 55, सिक्किम का हो सकता है 56 के आसपास है। उड़ीसा का हो सकता है 68 से 70 के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का हो सकता है 68 है। उसके बाद लद्दाख का 68 हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का हो सकता है 73 हो सकता है। तमिलनाडु का हो सकता है 62 से 65 के बीच में हो सकता है। पुडुचेरी का हो सकता है 60 के आसपास। दिल्ली का हो सकता है 72 के आसपास है। उत्तराखंड का हो सकता है 76 के आसपास। हरियाणा का हो सकता है 74 के आसपास। तेलंगाना का हो सकता है 69 के आसपास है। और आगे अगर हम बात करें तेलंगाना मैंने बता दिया 69, हरियाणा 74 के आसपास है। राजस्थान का हो सकता है 73, केरला का हो सकता है 70 के आसपास। लक्षद्वीप का हो सकता है 66 के आसपास। यूपी का हो सकता है 73 के आसपास। महाराष्ट्र या मुंबई का हो सकता है 58 से 60 के आसपास, यहाँ कम जाएगा, ठीक है ना। इससे भी कम जा सकता है, ये मैंने एक 55 के आसपास भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ लगता है, जहाँ तक लगता है 58 रहने वाला है महाराष्ट्र का। गोवा का 54 के आसपास होगा या उससे भी कम जाएगा। असम का 70 के आसपास। अरुणाचल का 68 के आसपास जा सकता है। मणिपुर का जा सकता है 65 के आसपास है। मेघालय का 65। मिजोरम का जा सकता है 63 के आसपास। नागालैंड का जा सकता है 53 के आसपास। त्रिपुरा का जा सकता है 65 के आसपास है। चंडीगढ़ का जा सकता है 68 के आसपास है। और पंजाब का जा सकता है 76 के आसपास। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले एसबीआई कलर के 2021 के एग्जाम में। तो इसके अलावा आप लोग को अगर मेंस का भी कट ऑफ चाहिए होगा एक्सपेक्टेड तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया उतना ही लगभग कट ऑफ होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपने वीडियो आज तक देखा, थैंक यू।